दोस्तों लोगों को कई प्रकार के डर लगते रहते हैं, उसी में एक डर है जो है पागल हो जाने का डर, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं। दोस्तों ये जो पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, अगर ये दो तरीके आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपका ये जो डर है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों ये जो पागल हो जाने का डर है, सबसे पहले तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए कि ये एक प्रकार का क्या है, डर है, फियर है। मतलब मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अभी तो मैं नॉर्मल हूं, लेकिन कहीं मैं ऐसा ना हो जाऊं, मतलब फ्यूचर में ऐसे हो जाने का एक फियर क्रिएट हो रहा है, एक डर क्रिएट हो रहा है। दोस्तों जितने भी प्रकार के जो डर होते हैं, जो फियर होते हैं, वो न्यूरोसिस का हिस्सा है। जितने भी प्रकार के डर हैं वो कौन से, आपके न्यूरोसिस का हिस्सा है। जैसे अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के डर लगते हैं, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को स्टेज पर बोलने से डर लगता है, किसी को एग्जाम से डर लगता है, किसी को इंटरव्यू से डर लगता है। तो ये जितने भी डर हैं, ये सारे के सारे डर कौन से हैं, न्यूरोसिस का पार्ट है। जैसे किसी को किसी बीमारी से डर लगता है, किसी को हार्ट अटैक से डर लगता है, किसी को कैंसर से डर लगता है, किसी को एड्स से डर लगता है, ये सारे के सारे जो डर है ये क्या है, न्यूरोसिस का पार्ट है। और न्यूरोसिस किसी भी प्रकार का पागलपन नहीं है, इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। न्यूरोसिस किसी भी प्रकार का पागलपन नहीं है और ना ही ये किसी भी प्रकार के पागलपन में परिवर्तित होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, फियर है। एक चीज तो ये हमेशा दिमाग में रखिए, ये जो सीबीटी का प्रिंसिपल है इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, समझिएगा कि एक तो ये क्या है आपका न्यूरोसिस। दूसरी जो मिस्टेक हम करते हैं वो क्या है कि हम दूसरों की जो सुनी सुनाई बातें हैं, जो दूसरों की कही कहाई बातें हैं, उनको सीधा हम अपने ऊपर लागू कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक 24 साल का व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि वो पागल हो जाएगा। अच्छा, इसका ये डर क्यों हो रहा है, उसको क्यों ये डर लग रहा है, इसका जो रीजन है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने एक लाइन सुन ली थी कि जिसको नींद नहीं आती, जिसको नींद नहीं आती वो व्यक्ति पागल हो जाता है। अब ये एक दिन सफर कर रहे थे तो वहां पे ये किसी अनजान जगह पे सोए थे। अब आप एक रेगुलर जो अपनी जगह पे सोए हुए होते हो तो वहां पे आपको बहुत अच्छी नींद आती है, और आप अचानक किसी अलग जगह पे सोते हो तो कई बार आपकी नींद डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। तो इनकी भी नींद डिस्टर्ब हुई और इनको नींद नहीं आई, तो वहां पर इन्होंने जो वो पुरानी जो सुनी हुई बात थी उसको अपने ऊपर क्या कर लिया, जनरलाइज कर लिया। क्या सुनी हुई बात थी कि जिसको नींद नहीं आती वो पागल हो जाता है। अच्छा, तो मुझे नींद नहीं आई, इसका मतलब मैं भी क्या हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। तो यहां पर इनको पागल होने का डर लगने लग गया। जबकि ये इन्होंने यहां पे क्या मिस्टेक किया था, यहां पे इन्होंने ये मिस्टेक किया था कि इन्होंने जो सुनी सुनाई बात है उसको क्या कर लिया, अपने ऊपर जनरलाइज कर लिया। भाई साहब, इस तरह से नींद जो डिस्टर्ब होती है ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये कॉमन सी बात है, सबकी इस तरह से नींद डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं कि आप किसी नई जगह पे जाते हो तो आपकी बॉडी को अडेप्ट होने में टाइम लगता है, एक या दो दिन चार दिन आपकी बॉडी को अडेप्ट होने में टाइम लगता है। उस दरमियान आपकी जो बॉडी की नॉर्मल जो फिजियोलॉजी है वो उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढल रही होती है, जिसमें आपके स्लीप के डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं। और ये जो डिस्टर्बेंस है ये किसी भी प्रकार का पागलपन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हम उस बात को क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर जनरलाइज कर रहे हैं। तो ये जनरलाइजेशन ना करें, ये जो सीबीटी का प्रिंसिपल है इसको बहुत अच्छे से यूज करिएगा कि ये जो जनरलाइजेशन हम कर रहे हैं, इस जनरलाइजेशन को यहां पर ना करें। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, ये 32 साल के व्यक्ति का है। अब उनको ये डर लगता है कि वो पागल हो जाएंगे। अच्छा, उनको ये डर क्यों लगता है, क्योंकि उन्होंने एक बात सुन रखी है कि जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है, जो अपना दिमाग ज्यादा चलाता है वो पागल हो जाता है। अब एक दिन इनको पूरे दिन बहुत ज्यादा काम करना था, पूरे दिन खूब सारा वर्क करना था, तो उसके कारण इनको दिमाग ज्यादा चलाना पड़ा, इनके दिमाग में खूब सारे थॉट आने लग गए, तो उसके कारण इनको डर लगने लग गया कि मैं पागल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग ज्यादा चल रहा है। तो दोस्तों सामान्यतः आप कोई भी काम करते हो, कोई भी वर्क करते हो, तो उसके लिए दिमाग चलाने की जरूरत ही पड़ती है। दिमाग बना ही इसी चीज के लिए है कि उसके अंदर विचार पैदा हो। वो आपके हार्ट में पैदा नहीं होते, वो आपके लिवर में पैदा नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में पैदा होता है। तो दिमाग चलाने के लिए ही बना है, और इस तरह से चलने से किसी भी प्रकार का कोई पागलपन नहीं होता। लेकिन ये डर क्यों लग रहा है, क्योंकि हम जो सुनी हुई बात है उस सुनी हुई बात को क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर जनरलाइज कर रहे हैं। तो ये जनरलाइजेशन ना करें। जब आपके दिमाग में इस तरह का डर पैदा हो रहा हो तो आप अपने आप को इवेलुएट करिए, अपने आप को ऑब्जर्व करिए,
कि आपने अपनी इस वर्तमान स्थिति का रेफरेंस किस पॉइंट से लिया है जिसके कारण आपको ये डर लग रहा है। तब आपको पता चलेगा कि पास्ट की किसी सुनी सुनाई बात को आपने अपने वर्तमान पर लागू कर लिया। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे एक व्यक्ति है जिनको डर लग रहा है, उन्होंने ये सुन रखा था कि अगर कोई व्यक्ति अकेले में बैठे बैठे हंस रहा है तो वो पागल हो जाता है। अब एक दिन ये बैठे बैठे किसी पास्ट की किसी बात को सोचकर हंस रहे थे, किसी जोक को सोचकर हंस रहे थे, तो इन्होंने अपने पास पास नजर दौड़ाई और आसपास कोई भी नहीं था। तो वो जो सुनी हुई बात थी कि अच्छा मैं यहाँ पे अकेले बैठे हंस रहा हूँ, अच्छा मैं ये हंस रहा हूँ तो कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, और इनको पागल होने का डर लगने लग गया। यहाँ पर भी क्या मिस्टेक की जा रही है, जो पास्ट की बात है उस पास्ट की बात को अपने ऊपर क्या किया जा रहा है, जनरलाइज किया जा रहा है। हम अक्सर किसी व्यक्ति की स्थिति, किसी व्यक्ति की सिचुएशन, उसको अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। किसी की कोई सी भी बात है उसको अपने ऊपर जनरलाइज कर लेते हैं। ये जो जनरलाइजेशन है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमेशा अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करिए, समझिए कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव थॉट क्रिएट हो रहा है, किसी भी प्रकार का फियर क्रिएट हो रहा है, तो अपने आप को बताइए कि मैंने अपनी इस वर्तमान स्थिति के लिए किस चीज का रेफरेंस लिया, किस नेगेटिव थॉट का रेफरेंस लिया और किसको अपने ऊपर जनरलाइज किया। तो मुझे ये जनरलाइजेशन नहीं करना। अपने आप को सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, जनरलाइजेशन है। आप जैसे ही अपने आप को ये एक्सप्लेन करते हो ना, ये रेफरेंस ऑटोमेटिकली लेना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, आप उसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हो। तो ये दो तरीके अगर आप अपनाते हो, एक तो ये एक्सप्लेनेशन सिंपल सा कि ये जितने भी हैं ये सारे के सारे फियर क्या है, न्यूरोसिस का हिस्सा है और न्यूरोसिस किसी भी प्रकार का कोई पागलपन नहीं है, और दूसरा मैं हर एक चीज में क्या कर रहा हूं, जनरलाइजेशन कर रहा हूं। इन दो चीजों की जो अवेयरनेस है, इन दो चीजों की जो जानकारी है, आपको इस डर से हमेशा के लिए मुक्त कर देगी, आपको कभी भी ये डर नहीं सताएगा। तो दोस्तों ये दोनों प्रिंसिपल्स बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ के अंदर यूज करिए और अपने आप को इस फियर से फ्री करिए। दोस्तों इस प्रकार के जितने भी फियर हैं, उन सारे के सारे फियर से फ्री होने के लिए, अपनी जो थॉट प्रोसेस है, अपनी इस जनरलाइजेशन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया है CBT के ऊपर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसको आप अपने अंदर पूरी तरह से इंस्टॉल करके अपने न्यूरोसिस वाले पार्ट को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी जो मिस्टेक्स है जिनके कारण आपके अंदर ये फियर क्रिएट हो रहा है, इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी लाइफ को फियर फ्री कर सकते हैं, अपने आप को पूरी तरह से फियरलेस बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।